प्रथम तहलका न्यूज। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसान नेताओं ने अपने कंधे पर गैस सिलेंडर को कंधे पर उठाकर उसका रेट कम करने की मांग की और हॉर्न बजाकर सरकार को जगाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग तभी कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर ये खाद के रेट भी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। इन कृषि कानूनों से किसान निजी कंपनियों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। वहीं इसी कड़ी में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में किसानों ने सोनीपत स्टैंड के नजदीक लघु सचिवालय के बाहर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने खाली वाहन लघु सचिवालय के बाहर खड़े कर दिए और वे खाली गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे हुए थे। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। प्रथम तहलका के लिए भिवानी से हनीफ खान, टोहाना से नवल सिंह और रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट। ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर, हरियाणा में भी हर एक जिले के और तहसील के ऊपर जो पेट्रोलियम पदार्थ यानी डीजल, गैस और पेट्रोल के मूल्यों में जिस तरह वृद्धि हुई है उसके खिलाफ ये एक नए तरीके का प्रतिरोध है। 10 बजे से 12 बजे तक इस तरीके से खाली वाहनों को उपायुक्त और SDM कार्यालयों के सामने प्रतिरोध में खड़ा किया गया है। यह 58वीं बार बढ़े, आप अंदाजा लगाइए, जनवरी से लेकर अब जुलाई तक 58 बार कीमतें बढ़ी हैं। कोई जिसका औचित्य नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कीमतें गिर रही हैं। लोग तो कहते हैं भेड़ के बाल आते ही उतार लेते हैं, ये तो बाल आने से पहले ही उतारने लग रहे हैं। और इससे हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की तो कमर तोड़ दी। ऊपर से कोरोना में बेकारी का इस तरीके का हमला था, तो हमारा ये आंदोलन रुकेगा नहीं और नए सिरे से किसानों की मांगों के ऊपर भी और ये डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर भी। ये नजायज मोदी सरकार जो कर रही है लोगों के साथ जाती, इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो महिलाएं हैं उनको रसोई चलानी मुश्किल हो रही है। गैस के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, पेट्रोल, डीजल और सब तरह की महंगाई जो आई है, जनता की बिल्कुल इसको बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं बची हुई है। हम ये मांग कर रहे हैं कि कॉरपोरेट जिन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए जाएं और जनता को महंगाई से राहत दी जाए। भुखमरी फैलेगी, अपराधीकरण फैलेगा, देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। ये इसके लिए आज हम ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। संयुक्त मोर्चा कमेटी के आह्वान पर आज ये प्रदर्शन था, आगे जनवरी महीना से आज का जो प्रदर्शन है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, इसका आह्वान था। जनवादी महिला समिति इसका समर्थन कर रही है और आने वाले दिनों में 7 तारीख से 14 तारीख तक पूरे देश के पैमाने पर जनवादी महिला समिति स्वतंत्र रूप से महंगाई के खिलाफ अपने आक्रोश प्रदर्शन करेगी, धरने प्रदर्शन, उसके अंदर रास्ता रोको और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये कीमतें बढ़ी हुई जो हैं वो वापस ली जाए। कोई भी राशन 100 रुपये से नीचे नहीं बच रहा है देश में। बेलने के लिए आटा नहीं है तो रोटी कहाँ से बनेगी? तो हम इस सरकार को चेतना चाहते हैं कि या तो इस महंगाई पर काबू करे, पहले की तरह जो है ना भाव रखे, नहीं तो हम जो है ना और आंदोलन तेज करके सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान मोर्चा के बैनर तले गंगाराम जी आपसे बात करूंगा, ये तमाम कमाई शुरू की गई है, विभिन्न संगठन है, चाहे इसमें सीटों की बात करें या दूसरे जनसंख्यों की बात करें, वो भी यहाँ पर आए हैं। आपको क्या लगता है कितना दबाव सरकार पर बन पाएगा? किसानों का आंदोलन तो लगातार पिछले कई महीने से जारी है। देखिए, किसानों ने आंदोलन 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए और MSP की गारंटी के लिए आंदोलन शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वो आंदोलन किसान आंदोलन ना रह करके जन जन का आंदोलन बन गया और देश के किसान ने गरीब और मजदूर और छोटे व्यापारी से मिलकर के इस आंदोलन को मोदी सरकार है, इसने जो पब्लिक सेक्टर को तोड़ करके सारा कुछ जो है कॉरपोरेट घरानों को सौंप दिया और कॉरपोरेट घराने हैं जो वो अपनी मर्जी से जो है प्रतिदिन जो है डीजल हो, पेट्रोल हो, जो गैस हो, सभी के रेट बढ़ाते रहते हैं। आज महंगाई चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुकी है। अब सरकार से बात करते हैं, लोग पूछते हैं सरकार से, तो सरकार एक ही बात कहती है,
के तेल के और गैस के जो दाम है वो हमारे बस का रोगनी कंपनियां बढ़ाती है। हम भी यही कह रहे हैं, जो किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा पहले दिन से ये कह रहा है कि ये कारपोरेट घराने जो देश को खा रहे हैं, इन कारपोरेट घरानों से देश को बचाना है। अगर ये कृषि कानून लागू होते हैं तो जो हाल आज तेल का है, गैस का है, यही हाल जो है खाद्य पदार्थों का होने वाला होगा। सरकार फिर यही कहेगी कि जी जो खाद्य पदार्थ है इसके दाम हमारे बस में नहीं है, ये तो कंपनियों के बस में है, कंपनियां बढ़ाती है, हम क्या कर सकते हैं। अगर सरकार के कुछ बस में नहीं तो सरकार बैठी किस लिए है? अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दो, तुम किस लिए बैठे हो? तो उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में जो है किसान अपने वाहन जो है सड़कों के ऊपर खड़े होकर के सिलेंडर जो है सड़कों के ऊपर ला करके सरकार को जगाना चाहता है कि जो है पेट्रोल के, डीजल के, गैस के जो कीमतें हैं जो प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इनको वापस लिया जाए। और सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी खत्म कर दी गई है, गरीब के मतलब मुंह से नवाड़ा छीनने की जो बात की जा रही है, तो गैस की जो सब्सिडी है लागू की जाए। इस इन बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रदर्शन था जो अभी हमने समाप्त किया।